भाजपा के प्रोपोगेंडा आउटलेट क्रिएटली ने 17 जुलाई को एक ग्राफिक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, मौलवी ने कहा, अंजुम खान ने किया। इस ग्राफिक में किसी @ansar2ali2 का ट्वीट दिख रहा है। ट्वीट में एक सांप्रदायिक बयान है जिसमें मुस्लिम लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो हिंदू लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर कांग्रेस को वोट दिलवाएं जिससे बीजेपी हारे। इस टेक्स्ट के अलावा ग्राफिक में एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर भी दिखती है। ये तस्वीर मुंबई के क्रिकेटर शिवम दुबे और अंजुम खान की शादी के मौके की है। इन दोनों की शादी 17 जुलाई को हुई थी। इस अंतरधार्मिक विवाह के चलते ही अंजुम खान का नाम वायरल हो रहे ग्राफिक में दिखता है। जब ऑल्ट न्यूज ने इस ग्राफिक की जांच करनी शुरू की तो सबसे पहले हमने ट्विटर हैंडल @ansar2ali2 के बारे में सर्च किया। फिलहाल ये ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हमें इसके किसी ट्वीट पर 18 जुलाई को किया गया एक रिप्लाई मिला। ग्राफिक में दिख रहे ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल इमेज के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को मालूम हुआ कि ये तस्वीर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की है। मौलाना शहाबुद्दीन 2016 में ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव थे। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट के बारे में मौलाना शहाबुद्दीन से बात की। उनसे बात करने पर मालूम चला कि मौलाना शहाबुद्दीन दिल्ली के ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है और उन्हें जैसे ही मालूम चला कि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर एक गलत बयान के साथ शेयर की जा रही थी तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने वकील को दे दी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑल्ट न्यूज ने जब इस ग्राफिक से जुड़ी स्टोरी पब्लिश की तो बरेली पुलिस ने ट्वीट पर जवाब देते हुए बताया कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं।